नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में आते हैं तो कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे डाउट्स बोलेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आई थिंक हर स्टूडेंट के माइंड में होता है जब वो तैयारी करने आता है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी एक साथ कैसे करें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बताते हैं कि पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है, तो किसी की बातों में नहीं आना है, आपको खुद देखना है, खुद एनालिसिस करना है, और जब अगर आपने नहीं एनालिसिस किया है तभी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं। जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का पैटर्न सेम ही है, ऑलमोस्ट ओवरलैप करते हैं दोनों, ठीक है। तो जब आप तैयारी करते हैं आप UPPCS की, तो थोड़ा सा 20% आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको स्टेट PCS के फैक्ट्स पता होने चाहिए। बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं मार्केट में जिनसे आप स्टेट PCS के लिए तैयारी कर सकते हैं, यूपी स्पेशल या कोई और भी स्टेट से रिलेटेड। उसके बाद आपका हिंदी का पेपर आता है, हिंदी में भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है UPPCS के लिए, क्योंकि UPSC में आपका हिंदी का जो पेपर है वो क्वालिफाइंग होता है, 300 मार्क्स के साथ क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो उसमें आपका 75 प्लस मार्क्स यानी 25% मार्क्स आपको लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। UPPCS में आपको 150 मार्क्स का पेपर देना होगा और उस मार्क्स की टोटल मार्किंग में भी ऐड होते हैं वो मार्क्स, ठीक है। फिर हम आते हैं SA के पेपर पे। SA में क्या होता है कि UPSC जो है वो आपको दो SA लिखने को देता है, टू टॉपिक्स पे आपको SA लिखने होते हैं जो कि 1000 और 1200 वर्ड्स में, बट UPPCS आपका 3 टॉपिक्स पे इससे लिखवाता है 700 वर्ड्स ईच, यानी 2000 वर्ड्स एंड 2200 वर्ड्स आपको लिखने होंगे UPSC UPPCS दोनों में अगर देखा जाए तो ओवरऑल। फिर आपका GS का पेपर आएगा, GS के आपके 4 पेपर होते हैं UPSC में भी UPPCS में भी, सेम सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट कोई नहीं चेंज होते हैं, सेम सेगमेंट होते हैं। हाँ, पेपर मार्किंग अगर देखी जाए तो UPSC GS के पेपर 250 मार्क्स के करवाती है और UPPCS GS के पेपर 200 मार्क्स के करवाती है। फिर हम आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल आप चाहे UPSC की तैयारी पे फोकस कर रहे हो या UPPCS की या दोनों की, कोई एक ऑप्शनल आप चूज करेंगे, उसके दो पेपर आपको देने होंगे, दोनों पेपर आपके 200 मार्क्स के UPSC में UPPCS में एंड 250 मार्क्स के UPSC में होंगे। फिर आते हैं इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट पे। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो आपका UPSC का है 275 मार्क्स का एंड UPPCS का आपका 100 मार्क्स का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर होंगे थोड़े बहुत कि हाँ कैसे तैयारी आप साथ में कर सकते हैं दोनों की। आप एक को भी टारगेट बनाते हैं तो आप दूसरे की भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन लेवल पे आते हैं तो क्वेश्चन लेवल में आपका UPSC जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और UPPCS जो है आपके फैक्ट्स क्वेश्चन रहते हैं, वन लाइनर टाइप के सीधे, जैसे राष्ट्रपति कौन होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें पूछी जाएंगी। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे काफ़ी हद तक। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।